हेलो एवरीवन, जैसा कि आपके सामने हम आज सिखाएंगे आपको इंडेक्स कैसे बनाए यदि आप एनसीडीआरसी नेशनल कंज्यूमर कमीशन अपनी कंप्लेन तैयार करने जा रहे हैं तो कैसे कंप्लेन तैयार करें तो हम आपको समझाते हैं। आपको पहले तो ये लिखना बिफोर द नेशनल कंज्यूमर रिडेसल कमीशन, ठीक है। रिविजन पिटीशन नंबर ये आपको मिलता है, ठीक है। ये जिस भी सन का ये हम वो लिखते हैं। इन द मैटर ऑफ में हम क्या लिखते हैं, पिटिशनर का नाम जिसने केस फाइल किया है, रिस्पोंडेंट में कंपनी का नाम, वर्सेस मतलब दो दो पार्टी लड़ रही हैं फाइट कर रही हैं कोर्ट में, तो वर्सेस लिखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है तो वर्सेस में भी बोलते हैं, इस तरीके से यहाँ भी वर्सेस है, ये कोर्ट में लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है पर्टिकुलर्स, हमें साइनोप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट को लिखना होता है, मेमो पार्टी लिखना होता है, रिविजन पिटीशन विद सपोर्टिंग एफिडेविट लिखना होता है। यदि हमसे देर हो गई है केस फाइल करने में, जो कि 90 डेज का टाइम मिलता है केस फाइलिंग के लिए, यदि आपसे वो देर हो गई है तो कंटिन्यूएशन ऑफ डिले लिखा जाएगा, उसकी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। फिर कॉपी ऑफ ऑर्डर, जहाँ से भी आपको केस पास हुआ है वहाँ से, ठीक है। अभी मैं जैसे कि इसमें स्टेट का नाम मेंशन नहीं करूँगी कि कौन सी स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है उसको आप लिखिएगा, ठीक है, और हमें वो लिखनी होती है। फिर ये कॉपी ऑफ ऑर्डर, जहाँ से भी आपका केस पास हुआ है जिस भी DCDRC से, ठीक है, आपको उसकी कॉपी ऑफ ऑर्डर भी लगानी होती है, ठीक है। इसके बाद एग्जम्पशन, जैसे कि आप कोई जैसे एग्जम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एग्जम्पशन चाहिए फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपी करने के लिए, ठीक है, कोई भी किसी भी कारण से एग्जम्पशन चाहिए तो वो एफिडेविट के जैसे कि आप लगाएंगे तो उसकी डेट वगैरह मेंशन करके लगाना है। फिर आपको ट्रू कॉपी ऑफ द कंप्लेन नंबर लिखना होगा और फिर ट्रू कॉपी ऑफ द फर्स्ट अपील नंबर लिखना होगा, ठीक है। अभी जैसे DCDRC जो भी जहाँ की भी होगा उस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आधार कार्ड, ठीक है, जैसे ट्रू पिटिशनर है तो पिटिशनर अपनी थोड़ी सी डिटेल लिख के या अपने सिग्नेचर करके इसको फाइल कर सकता है। तो इस तरीके से इंडेक्स तैयार होता है, काफ़ी आसान है, मतलब आसान तो वैसे कुछ नहीं होता, मेरा तरीका आपको मैं चाहती हूँ कि आपको आसान लगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आसान है, लेकिन वैसे आसान भी इतना कुछ भी नहीं होता ये कोर्ट कचहरी का काम। लेकिन हाँ, इंडेक्स इस तरीके से तैयार होता है और पेज नंबरिंग भी आप अपने केस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी अन्य वीडियो में।